सेब खाने के फायदे एवं नुकसान, तो चलिए सब शुरू करते हैं और पूरी वीडियो को देखें, यहाँ पर काफी लाभ मिलेगा आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लिखे हुए हैं सेब खाने के फायदे एवं नुकसान, तो हम सेब खाने का फायदा और नुकसान भी बताएंगे। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सेब के अंदर कौन कौन सी पोषक तत्व तो मौजूद होता है। तो एक सेब के अंदर भरपूर मात्रा में आयरन मौजूद होता है। आयरन किस कमी की वजह से किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है हम बीच में बातें करेंगे वीडियो में। अब देखिए विटामिन ए भी पाया जाता है एक सेब के अंदर, अगर सेब खाते हैं तो आपको क्या होगा, विटामिन ए की का कमी होने के लिए नहीं देगा। विटामिन सी सी भी पाया जाता है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे सभी प्रकार की इस ये जो हम लिखे हुए हैं विटामिन ए विटामिन सी वगैरह जो पाया जाता है, हम आगे बात करेंगे किन किन बीमारियों में ये सभी विटामिन की कमी होने के कारण किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है सेब के अंदर, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, फाइबर। सॉरी हम यहाँ पे लिखने में मिस किए थे, यहाँ पे क्या पाया जाता है, फाइबर भी पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए एक फाइबर को पूरा करने के लिए हम लोग मार्केट से ग्लूकोज डी खरीदते हैं, ग्लूकोन डी वगैरह खरीदते हैं, मतलब हॉर्लिक्स वगैरह मतलब पीने का काम करते हैं। और एक सेब खाने के बाद हमको कई प्रकार का विटामिन अगर हमको एक सेब खाने से मिल जाता है तो हम क्यों ना सेब खाएं। और आजकल मार्केट में सेब भी काफी सस्ता और अच्छा से मिल रहा है। तो हम फायदे की बात करेंगे, सबसे पहले क्या है लाभ, सेब खाने का क्या क्या लाभ होता है। तो देखिए सबसे पहला फायदा इसका क्या है कि सेब खाने के बाद खून की कमी को नहीं होने देता है। अक्सर आप देखते होंगे एक्सीडेंटल केस वगैरह में, ड्रेवरी पेशेंट वगैरह में जब ड्रेवरी होता है, जब ब्लीडिंग होता है, तो उनके शरीर में क्या हो जाता है, काफी कमी होता है। तो वो अगर एक या दो सेब प्रतिदिन पहले से खाता रहेगा तो उनको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्सीडेंटल केस में क्या होता है कि शरीर के अंदर से क्या होता है, ब्लड उसका गिर जाता है, जिसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में उसको ब्लड प्रोवाइड करता है डॉक्टर, किसे ब्लड मतलब क्या होता है चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि उनकी ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होने लगता है। तो हम अगर एक या दो सेब अगर खाना शुरू कर दें और इस प्रकार का केस में हमें का भी क्या होगा, लाभ मिलेगा। मोटापा दूर करता है, ये क्या करता है कि मोटापा को दूर करता है और शरीर में क्या लाता है, ग्लेजिंग लाता है। मोटापा दूर करता है और शरीर में ग्लेजिंग लाता है। दूसरा क्या है ना कि आज डायबिटीज, जिसको हम लोग हिंदी में शुगर भी कहते हैं, ये रोग जो है किसी को भी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्तों, किसी को भी हो जा रहा है। तो देखिए ये क्या करता है ना, शुगर को नियंत्रण में रखता है। नियंत्रण मतलब उसको ना बढ़ने देता है ना घटने देता है, एक संतुलित मात्रा में उसको रखता है। तो हम क्या करें, सेब खाना शुरू कर दे जो रोग जो सेब नहीं खाते हैं। अगला पॉइंट है रोग रोधी क्षमता को बढ़ा देता है। कुछ व्यक्ति को देखिएगा थोड़ा सा ठंड गिरेगा तो वह बीमार पड़ जाएगा, थोड़ा सा गर्मी आएगा तो उसे क्या हो जाएगा, गर्मी बर्दाश्त नहीं होने लगेगा, थोड़ी सी सर्दी भी निकल जाएगा तो सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं ना कि रोग रोधी क्षमता उसके अंदर कमी हो चुका है, जिसकी वजह से वह काफी बीमार पड़ता है। तो सेब खाने से हमारे शरीर को क्या करता है, रोग रोधी क्षमता को भी पूरा करता है, उसे बढ़ाता है। कैंसर रोगों को क्या करता है, कम करता है। ऐसे व्यक्ति जो कैंसर से ग्रसित हैं तो उसे क्या करना चाहिए, सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे हम बोले थे ना कि वीडियो के बीच में चर्चा करेंगे, विटामिन ए की कमी से आंखों की समस्या होती है, काफी प्रकार की रतौंधी वगैरह बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है। तो अगर हम प्रत्येक दिन एक या दो सेब खाते हैं तो हमारी क्या होगी, आंखों की रोशनी क्या करता है या बढ़ाता है, आंखों की समस्या को क्या करता है, दूर करता है। मुंह का भी रोग को दूर करता है। मुंह का रोग जैसे छाले पड़ जाना, मुंह में किसी प्रकार का फोड़ापन से घाव टाइप का हो जाना, उसे भी क्या करता है, सेब दूर करता है। दिल की बीमारी को कम करता है। एक स्वस्थ मानव का दिल 1 मिनट में 72 बार कम से कम और हाईएस्ट भी धड़कना चाहिए, तो वह व्यक्ति क्या होता है,
स्वस्थ रहता है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह से मतलब अगर वो करता है, दिल उसका क्या होता है, हमेशा क्या होता है, धड़कते रहता है, तो उसके दिल की क्या है, बीमारी है। और सेब खाने से क्या होता है, दिल की बीमारी को क्या करता है, कम करता है, दूर करता है, याददाश्त बढ़ाता है, या क्या करता है, याददाश्त बढ़ाता है। तो स्कूली छात्र छात्राओं को, पढ़ने वाले बच्चों को, ऑफिशियल लड़के लड़कियों को सेब क्या है, खाना चाहिए और प्रत्येक दिन खाना चाहिए। ब्लड प्रेशर, बीपी, आजकल बीपी आम बात हो गया है। 40 पार अगर आपका हो गया उम्र, तो समझ जाइए कि आप बीपी का क्या करते हैं, टेबलेट लेना शुरू कर देते हैं। अगर उससे पहले अगर हम लोग क्या करें, एक दो सेब प्रत्येक दिन रूटीन बना ले कि हमें खाना है, तो ऐसी समस्या आगे नहीं आएगा। आयरन की कमी को पूरा करता है, यहाँ पे था ना, इसमें आयरन भी पाया जाता है। तो जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, उनको क्या है ना कि डॉक्टर उसे प्रोवाइड करती है कि आयरन का टैबलेट आप लीजिए। ऐसे व्यक्ति को प्रोवाइड करती है, ऐसे महिलाओं को जिसकी क्या है, शरीर में आयरन की क्या है, कमी है। तो अगर हम सेब खाना शुरू करते हैं, सब दिन सेब खाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होगा, आयरन प्रचुर मात्रा में रहेगा और किसी भी परिस्थिति में हमें आयरन कमी नहीं होने देगा। पथरी रोग दूर करता है। अब देखिए, हम इस पे थोड़ा सा 1 मिनट चर्चा करेंगे, पथरी रोग होता कैसे है। अक्सर मसालेदार सब्जी खाने से, गंदा पानी पीने से, मतलब क्या हो ना कि आयरन वाला पानी, आयरन वाला पानी अगर पीते हैं हम, तो उसका अवसाद हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाती है, गोल ब्लाडर हो, किडनी हो, हमारे शरीर के पाचन तंत्र हो, तो ऐसे जगह में क्या होता है, अवसाद जमा हो जाता है और वह धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, हम पथरी रोग कहते हैं। तो पथरी रोग को भी दूर करता है, एक सेब अगर प्रतिदिन हम खाते हैं, तो हमारे शरीर से पथरी रोग को भी क्या करता है, सेब दूर करती है। अब क्या है, खाने का मात्रा और समय। दोस्तों, कोई भी चीज अगर उचित से ज्यादा खा ले, मात्रा से ज्यादा खा ले, तो वह क्या करता है, नुकसान करता है। तो और उसे मात्रा के बराबर अगर हम खाए, तो वही क्या होता है, दवाई की तरह से काम करने लगता है। तो दोस्तों, सेब एक या दो सेब ही प्रतिदिन खाए। एक सेब आजकल तो मार्केट में 250, 300 ग्राम, 500 ग्राम का सेब आ चुका है। तो अब ऐसा सेब आप दो गुना खा ले, 100 से 150 ग्राम का जो वजन होता है, उस सेब को एक से लेकर दो यानी कि 300 ग्राम प्रतिदिन आप अगर सेब खाते हैं, आप इन सभी लाभ को अपने आप हासिल कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। नुकसान क्या है, कुछ नहीं नुकसान है, सेब खाने से कुछ भी नुकसान नहीं है। सिर्फ ध्यान देना है कि ज्यादा नहीं खाना है, बीज को नहीं खाना है। क्या करना है, बीज को नहीं खाना है, उसके बाद खाली पेट नहीं खाना है। खाली पेट नहीं खाने का मतलब ऐसा ना है कि हम खाना खा ले, नाश्ता कर ले, उसके बाद सेब खाए, नहीं। सेब खाने का रूटीन बना लीजिए, सुबह सुबह 1 गिलास पानी पिए, फ्रेश होकर के आए, 1 गिलास पानी पिए, और उसके बाद एक या दो सेब को अच्छा तरीका से धो लिए, उसके बाद उसको पीस वाइज कटिंग कर लिए, बीच वाले जो भाग होता है उसका, बीज वगैरह, उसको निकाल दे, और उसके बाद सेब को क्या करे, खाए। आपको इस तरह का अनगिनत लाभ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।